एक इसको देखो, अरे उड़ जा बासी मूली। दूल्हे को तो मैं सुधार दूंगी, जैसा भी मिले सास आपके तरह मिलनी चाहिए, आशीर्वाद दूंगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो तुम सब? जैसे मर्जी हो। मैं आज बहुत दुखी भैया। अभी बज रहे सुबह के 4 भी नहीं बजे, 4 बजने में ना 10 मिनट है, 4 और 10 पे सुई है, तो समझ जाओ कितने मिनट है। तो भैया आज ना ही हमें लताड़ के उठाया गया है और ना ही हमारी कोई मजबूरी थी कि हमें 4 बजे उठना पड़ा। बात यह है कि आज हमारे लिए बहुत ही दुखद दिन है, हमें नींद ही नहीं आई आज, समझ रहे हो। घर वालों ने तो वैसे कहा था आराम से 4 साढ़े 4 उठना, पर हम जल्दी उठ गए क्योंकि हमको नींद आई नहीं। नींद ना आने की वजह यह है कि हम दुखी हैं। भाई बहन भौजाई भाभी, आप समझ सकती हैं मेरी परेशानी, ठीक है भैया। अभी अंधेरा देख रहे हो बाहर, मतलब रात नहीं हो रही है, भोर सवेरा है, अर्ली मॉर्निंग, और हम बहुत ही दुविधा और भारी दुखद मन के साथ इस ब्लॉग को शुरू कर रहे हैं। और दुख वाला दिन इसलिए है क्योंकि भैया देखिए, आज हमारी जो बड़ी जीजी हैं और हमारा जो इकलौता छोटा सा क्यूट क्यूट, नहीं इकलौता तो रही है, चल बे इतना खास नहीं है ये, इकलौता नहीं है, उससे पहले भी मेरा एक बड़ा भांजा, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, पर मेरे घर के ही बहुत करीब है, ये मेरे घर से बहुत दूर रहता है ना। तो आज ये लोग अपने घर वापस ऋषिकेश जा रहे हैं, तो मैं और पापा आज दीदी को ऋषिकेश छोड़ने उसके घर जा रहे हैं। बेसिकली एक ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है, दिल्ली टू ऋषिकेश और ऋषिकेश से उत्तराखंड, क्योंकि मेरे को भी पापा आज ही बुआ के घर गांव छोड़ देंगे। तो उसके बाद जो भी तुम ब्लॉग देखोगे वो तुमको शादी वाले ब्लॉग देखने के मिलेगा। दीदी और चुनमुन दोनों हो चुके हैं रेडी एकदम, माँ बेटे हरा भरा कबाब बन के जा रहे हैं ससुराल। हरा भरा कबाब लग रहे हैं दोनों एकदम, ग्रीन ग्रीन। खुशियों का प्रतीक होता है हरा कलर। जब हमारे घर आई थी तो हरा नहीं पहन कर आई थी तू, मतलब तू ससुराल जाने के लिए खुश है। तेरे ये 32 के 32 दांत चमक रहे हैं, इतनी खुश है तू। चुनमुन कोई बात नहीं बेटा, क्या कर सकते हैं, दुनिया का क्या है नियम, दस्तूर है। हाँ हम हमारे दुख में नमक भी छिड़ा कर बता के कि दस्तूर है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अपनु वे की अपनु नियो, धन कनु धन चा, फूक अब जन बीचा। सुन मेरी बात सुन, खूब फली फूली, तू सुन मैं त्यू न भूली, मेरु जिगर को छल्ला, बेगानी वे गे सैठी पाली। बाबा बाबा जी अखुली अखुली कनके की जोलू, हमारा तेरे को छोड़ने तो टेंशन होते ले। आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, तेरे तो शकल से पता चल रहा है कि मौसी तू मती आ तो ठीक है, नाना अकेले छोड़ देंगे। अभी रुक जा, अभी आती हूँ। एक इसको देखो, अरे उड़ जा बासी मूली। और तेना तो हरा भरा कबाब लग रहा है, तू तो बासी मूली, उड़ जा मेरा बच्चा, मेरे जिगर का छल्ला। दुनिया की नज़र से देखोगे तो मुझे मोटा पाओगे, मेरी माँ की नज़र से देखो मैं कितना कमजोर हूँ। इतना बड़ा मक्खन का टिक्का था, 4 बेड़ का पर्वत बना के दिया कि कहीं से बच्चा गलती से कमजोर ना रह जाए। चलो खा लेता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज चुके हैं सुबह के 7 और हम लोग हैं यूपी टोल प्लाजा में। हमारी जो गाड़ी है उसका फास्टैग ख़राब हो गया, तो अभी हम लोग चेंज करवा रहे हैं और मुझे लग रहा है बहुत ज़ोरों से भूख, तो मैं जा रही हूँ उस वाले ढाबे में कुछ खाने का लेकर आती हूँ। यार 1 घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे, इसलिए मैंने बस भूख को थोड़ा सा दबाने के लिए ये चिप्स खरीद लिए। अब फटाफट से गाड़ी पे चलते हैं, हमारा फास्ट टैग भी ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है आई थिंक। आप नहीं, बेटी ससुराल जा रही है, ये क्या नई टी शर्ट पहन कर आए हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा चलो चलो भैया, आप मिलते हैं सीधा ऋषिकेश में। हाय चुना, माय पम्पकिन नीनी आ रही है। अरे एक बारी पी लो, आप में एनर्जी आ जाएगी एकदम, 16 साल में ये एनर्जी है एकदम, आप 16 साल के बच्चे की तरह फुटबॉल खेल पाओगे, घुटने का दर्द गायब हो जाएगा। पी लो पी लो, बोलने से तो ऐसा लग रहा है तो कोई वैद्य राज है। हाँ मैं वैद्य हूँ, वैद्य हूँ मैं, किसी के वैद्य हूँ मैं, जड़ी बूटी का, जड़ी बूटी का नहीं है, ये पी लो सही में एनर्जी ड्रिंक है। बाल मिठाई दिला दो, चलो कुछ ना कुछ तो मैं लेके रहूंगा। हाँ हाँ सब कुछ खाओ, मैं कैमरा बंद ही नहीं करूंगा जब तक दीदी लाओगे।
तो भाई हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। दीदी का घर यहाँ से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे है। मैं और पापा आए हैं अभी दुकान में मिठाई लेने। और वहाँ पे ना बहुत बढ़िया वाली खुशबू आ रही है क्योंकि अंकल बना रहे हैं गर्मा गर्म ताजे ताजे समोसा। खाओगे? अब आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, यू नो यू हैव फैटी लीवर, तो समोसे की तरफ ज़्यादा मत देखो। नो डॉक्टर। गुस्सा आ गया, इतनी नाराजगी, एक समोसा खाने से मना किया तो मुझे अकेला छोड़कर आ गए, ऐसे मत करो। अच्छा याद देख रहे आए हुए हैं। इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है भाई जहाँ ट्रैफिक ना हो? मुझे लगता था हम दिल्ली में ही ट्रैफिक में जी रहे हैं, ऋषिकेश में भी कम ट्रैफिक नहीं है। मेरे को ये समोसा नहीं खाना, मुझे बचपन का वही समोसा खाना है जो आड़ा टेढ़ा आप बनाते थे। अरे बचपन में आप मेरे समोसा नहीं बनाते थे? तो अब क्यों नहीं बनाते? अब मैं बड़ा हो गया इसलिए आप मेरे से उम्मीद लगाते हो कि मैं बनाऊंगा? नहीं दुकान में नहीं, कलियो तैयार हो रहा है दोस्तों, कलियो ही बोलते हैं ना पक्का। कलियो तैयार हो रहा है, कलियो। अरे दूसरा डब्बा नहीं दिया मेरी आंटी ने मुझे। हाँ मेरा नाम लगा दो, दूसरा आ गया। दीदी अगर पहुँचते ही ना, मुझे भाई बहुत जोर से भूख लग रही थी और मेरे जीजू ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टेस्टी सा लंच पहले रेडी किया हुआ था। मैंने फटाफट से लंच किया और उसके बाद मैं दीदी का वेडिंग एल्बम देख रही थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये जो इस पिक्चर में क्लश लेके खड़ी हूँ, ये वो पिक्चर है जिसमें बारात का स्वागत करी थी। नॉन नेक्स्ट में जीजू का मुँह मीठा कर रही थी और इतना ज़्यादा खुश थी कि खुशी के मारे 32 के 32 दांत चमका के हंस रही थी। एंड फिर अच्छा रकम मिलने के बाद हमने जीजू को दिया कैंची और कटाया रिबन और फिर सिमोन ने जीजू को टीका लगाया। इसकी पिक्चर देख रहे भाई, इतनी ज़्यादा डरी हुई थी ये लड़की, इतनी ज़्यादा शाय फील कर रही थी कि इसका पिक्चर ही बिगड़ गया। नाउ नेक्स्ट जब जीजू ने अंदर एंट्री करा था तो मम्मी और चाची जी मिलके जीजू की नज़र उतार रहे थे। एंड उसके बाद ये जो भी पिक्चर्स हैं सब लोग हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। नाउ ये वाला जो पिक्चर है ना, इसमें हम सारे कज़न मिलके खुशी में डांस कर रहे थे। वरमाला के बाद का पिक्चर है और ये पिक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, है ना। सो उसके बाद ये पापा और जीजू मिलके कुछ पूजा कर रहे थे। मुझे इस पिक्चर के पीछे की स्टोरी ज़्यादा पता नहीं है तो मैं इतना ही बता रही हूँ कि हाँ करते हुए कुछ पूजा ही रही थे। ना ये वाली पिक्चर देख रहे हो, मतलब इन सारी पिक्चर्स में ना मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हूँ। मतलब मैं दिखावा तो कर रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं सिर्फ खुश नहीं थी, मैं उस टाइम पे बहुत कुछ सोच रही थी, खुश भी थी दुखी भी थी। मतलब हम दीदी को वरमाला के लिए स्टेज पे लेके जा रहे थे और मेरा चेहरा देख रहे हो हर फोटो में, मतलब घर से लेके स्टेज तक मैं बहुत कन्फ्यूज थी कि यार अब मेरे को अपनी बहन को आज के बाद मिलने के लिए टाइम, सिचुएशन, त्यौहार, इन सब चीज़ों का वेट करना पड़ेगा। मतलब लड़की पराई हो जाती है, ये फिल्मों में सुना था, नाटकों में देखा था, बट उस टाइम पे मैं फील कर रही थी और आज भी ये बात मुझे फील होती है। नाउ ये है हमारा एक फैमिली फोटो जिसमें हमारे जीजू भी हमारे साथ थे। रोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। रोगे? वीडियो बना दूंगा। आंटी आपके समधी रो रहे हैं। समधी को छोड़ा, आप मुझे आशीर्वाद दो। दूल्हे को तो मैं सुधार दूंगी, जैसा भी मिले सास आपके तरह मिलनी चाहिए, आशीर्वाद दो। ऐसी मिलेगी आशीर्वाद। सीधी शादी, प्यारी प्यारी है। इसलिए रो रहे हैं किस लिए? क्यों रोना है, दिमाग खराब है कुछ? इतने फनी फनी बच्चे मिले हैं, आप रो रहे हैं, बताइए, लाइए। थैंक यू दीदी और चुनमुन को दिल में पत्थर रख के बाय बाय कहने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कोटद्वार। इज क्राइंग अ लॉट।